कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के इस्तीफे पर सुभाष बराला ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और अन्य दलों में लोग हताश और परेशान हैं। पार्टी से एक परिवार पकड़ क्या ढीली हुई कि पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई है क्या। उन्होंने साफ ही साथ कहा कि ऐसी पार्टियों का देश हित से कोई वास्ता नहीं है। स्वतंत्र लोकतंत्र में वही पार्टी रह सकती है जो कि देश हित में काम करे। तंवर के भाजपा के साथ संपर्क की बात उन्होंने साफ तौर पर नकारी और सीधे तौर पर कहा कि अभी ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है। देखिए, किसके कौन टच में है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी की जो आज हालात है या अन्य दलों के जो हालात है, आज वो हताश है, आज वो निराश है, क्योंकि उनकी जो राजनीति थी वो केवल परिवारवाद के आधार पर राजनीति थी। जहाँ तक बात कांग्रेस पार्टी के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर की बात है, तो इन्होंने तो कई दिन पहले ही अपने सब पदों से इस्तीफा दे दिया था। जिस प्रकार की एक गुटबाजी इस पार्टी के अंदर चल रही है और जिस प्रकार की वीडियो इन लोगों की वायरल हुई, इनके प्रभारी की, गोविंदन सिंह हुड्डा जी की, उससे भी ये स्पष्ट होता है कि इस पार्टी का जो हाल है वो किस प्रकार का है और इसने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है।